गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, बड़े प्रेम से मैंने गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरुमंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहां देखो, वहां एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहते, नमो नारायण। नमो नारायण। 10 अप्रैल सन 2018 और मंगलवार का दिन है। क्या आपका व्यावसायिक और प्रशासनिक स्तर कमजोर है? क्या आपके घर में सुख शांति नहीं है? क्या मेहनत और परिश्रम के उपरांत दुकान या व्यापारिक स्तर में बिक्री बढ़ोतरी नहीं हो रही है? क्या पूर्ण सावधानी के बावजूद भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है? बार बार आपके कारोबार में दुर्घटनाएं हो रही, आग हो रही, आग संबंधी दुर्घटनाएं हो रही, या फिर आपको मोतियाबिंद है? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ रहा हूं आज गुरु मंत्र में। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से नमो नारायण। कैसे आप सभी लोग? आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन में सदा शनि भगवान की कृपा बरसती रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। और आपसे भी कहना हूं कि मुस्कुराए नहीं मित्र, काहे के लिए परेशान। दाती महाराज आपके साथ है और हर रोज आते हैं और कहते हैं जरा इन आंखों में देखो ना, और इन आंखों में देखते भी ओम शाम शनिश्चराय, ओम शाम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा, जीवन में सदा आनंद रहेगा। ये मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। जब आपको मौका मिले, जब आपको अवसर मिले, शांत भाव से ओम शाम शनिश्चराय नमः मानस जाप करें। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति निरंतर इस मंत्र का जाप करता है उसका भीतर का कुलुषित समाप्त हो जाता है, भीतर का सारा कुलुष धोकर पवित्र निर्मल हो जाता है और ऐसा व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में सहजता से लग जाता है। इसलिए श्रद्धापूर्वक भावों से भगवान शनिदेव का ध्यान करते जब भी मौका मिले ओम शम शनिश्चराय का जाप करी, कल्याण होगा। अभी थोड़ी देर आपके साथ हूं तो इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय। पहला सवाल, यदि आप कार्य व्यवस्थाओं को संभालने का, आपका कार्य मैनेजमेंट का है, आप प्रशासनिक अफसर है, आप उच्च अधिकारी है, आप उच्च स्तरीय व्यवसाय करते परंतु आपकी व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षमता कमजोर है, आप लोगों से काम लेने में झिझकते हैं, तो आपको 7 मुखी 2 दाने, 12 मुखी 2 दाने और 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार के पंचांग की। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2075 मंगलवार का प्रातकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र चंद्रमा मकर राशि में, और बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, अपनी शादी की सालगिरह। 10 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करें तो मेरी ओर से दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 10 अप्रैल आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, आपका मन काम में नहीं लग रहा, परिश्रम के बावजूद भी धन का लाभ नहीं हो रहा, कैरियर में उठापटक हो, शिक्षा में बाधाएं आ रही, या घर में अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा हो, उपाय बताने जा रहा हूं। हर रोज नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध आसन में बैठकर सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः, सूर्य की बीज मंत्र का जाप करें। ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। जाप के उपरांत भगवान गणपति के मंदिर में श्वेत कच्चे धागे में 108 दुर्वा की माला मिलाकर ओम श्री गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार जाप करके गले में अर्पित करें, सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण।
अगला कदम सितारों की ओर, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए मैं बात करूंगा मंगलवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि, असंभव से चंद्रमा गोचर कर रहा है, कारोबार में मनो अनुकूल सफलता मिलेगी और कारोबारी परेशानी से आज आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सितारों की चाल अनुकूल है, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है और सितारे आपको संकेत दे रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में आशा अनुकूल सफलता प्राप्त करेंगे और आर्थिक स्थिति खुशहाल होगी, पारिवारिक सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी, कारोबारी यात्रा में धन लाभ होगा, कंपटीशन और प्रतियोगिता में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। क्या करें, थोड़ा सा अपनों के साथ मेलजोल बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्या ना करें, फिजूल खरीदारी आज ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों गणनाएं पक्ष में है आपके, सितारे अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं और जिस तरह की आपकी कार्यशैली, आपका काम करने का तरीका है, आज आपको अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी, बौद्धिक कार्यों में सफलता हासिल करेंगे, चिंतन बढ़ेगा, संसानिध्य का सुअवसर और पेट संबंधी परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। गोचरे भी संकेत दे रहे कि थोड़ा सा संतान को लेकर आपको सावधानी अपेक्षित है, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं, नौकरी भी ठीक रहेगी। क्या करें, कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी, क्या ना करें, स्वजनों से बैर भाव न बढ़ाएं, न बनाएं। और बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों नक्षत्र गणनाओं का संकेत ये आज आपको दे रहा है कि आज आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, सितारे आपके पक्ष में नहीं है, समय प्रतिकूल है, बहुत जरूरी है आज विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखना, विवादित भूमि संबंधी सौदों से बहुत दूर रहना, कोर्ट कचहरी के मसलों से अपने आप को दूर रखना, राज उधार लेन देन नहीं करना, बहुत मोटी समस्या आ जाएगी, क्योंकि गोचर आपके पक्ष में नहीं, विशेष कार्य और वार्ता को भी आज स्थगित कर दें, थोड़ा सा अपने व्यवहार में नरमी बनाकर रखें, क्योंकि आज पारिवारिक सहयोग नहीं मिल पाएगा, यात्रा में हानि है भाई मत कर, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट और भागदौड़ बनी रहेगी सुबह से लेकर शाम तक, गोचर इसी तरह का है, भयभीत नहीं होना, दर छोटा सा उपाय, माँ भगवती दुर्गा के चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजे, इस मंत्र का जाप करें, सरदारन सर साबुत मूंग अपने ऊपर से 7 बार उठाकर गाय को खिला देना, कष्ट कम आएगा। न मना रहे, क्या करें, पारिवारिक संतुलन बनाकर रखें, क्या न करें, अधिकारी वर्ग से नाराजगी मोल न लें, न मना रहे। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले मंगलवार का राहु काल और मंगलवार की यात्रा, मंगलवार का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहु काल का दौर है और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी, क्योंकि इस बात पर मैं ज्यादा जोर आपको देता नहीं, संकेत देने आता हूँ, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ भाई कि भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और समय निकाल करो, ओम मिशा मिशा निश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं आज की यात्रा, दक्षिण दिशा की यात्रा, कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रही, मेरा कहना है कि समय और साधनों में परिवर्तन बहुत हो गया है, आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए आज के दिन, लेकिन मंगलवार के दिन यात्रा करते समय हनुमान जी के श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करी, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप और गुड़ का सेवन करते हुए यदि यात्रा पे आप जाते हैं तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि समय अनुकूल, लाभदायक और सफलताओं से भरा हुआ नजर, आज गोचर पूर्ण सफलताओं का संकेत दे रहा है, नए कार्य की शुरू करने का सुअवसर मिलेगा, स्वजनों का सहयोग प्रसन्नता देगा, किसी मांगलिक कार्य या किसी शुभ कार्य का निमंत्रण भी आपको मिलेगा और वहां जाने का अवसर भी मिलेगा, आर्थिक उन्नति से मान सम्मान बढ़ेगा और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। न मना रहे, क्या करें, विचारों की अनुकूलता को बनाए रखें, क्या न करें, व्यर्थ के कार्य में आज समय नष्ट न करें, न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि,
सिंह राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, सितारे सफलता और अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं और सितारों की अनुकूलता की वजह से आज अनुकूल फलों की प्राप्ति और अनुकूल फलों में देने में आज ग्रह गोचर समर्थ है। पारिवारिक और सामाजिक अनुकूलता प्राप्त होगी। सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी और जिस तरह की कार्यशैली आज आपकी है, आपका जिस जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ उनके आसपास के वातावरण में आपकी बड़ी अच्छी पैठ रहेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। न मना रहे, क्या करें, नवीन कार्य आरंभ करने के लिए नक्षत्र गणनाएं आपके पक्ष में है। क्या ना करें, किसी को कर्ज न दें, न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ग्रहगोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है, प्रफुल्लता और प्रसन्नता का संकेत दे रहा है, परेशानियों से मुक्ति का संकेत दे रहा है। गोचर अनुकूल होने की वजह से अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, उदासी से मुक्ति मिलेगी, मावशियों से पीछा छूटेगा और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न रहेगी, साहस और उत्साह बढ़ेगा। कारोबार में आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न के साथ साथ आज अपनों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। न मना रहे, क्या करें, उच्च अधिकारियों के साथ मेलजोल बढ़ाकर काम करेंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी। क्या ना करें, रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आज लापरवाही ना करें, न मना रहे। कारक सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करी, उससे पहले वास्तुशला और आज की सुझाव वास्तुशला। मुझे किसी ने कहा दाती महाराज वायव्य दिशा यानी उत्तर पश्चिम दिशा में यदि वास्तु दोष है तो क्या परेशानियां हो सकती है और उसका उपाय क्या है। यदि क्योंकि वायव्य दिशा का ग्रहशामी चंद्रमा है और देवता वायु है, इस दिशा में वास्तु दोष है तो घर के लोगों को सर्दी और जुकाम और छाती संबंधी रोग की संभावना नजर आती है। इसे दूर करने के लिए घर के सभी सदस्य ओम चंद्रमाशयी नमः या भगवान शिव का हर महीने में एक बार घर में अभिषेक जरूर करें। ओम वायवेय नमः इस मंत्र का जाप करना भी मनोनुकूल लाभकारी रहेगा। नमन और बात करते हैं सुझाव की। आपके घर में सुख शांति नहीं है। पारिवारिक सुख शांति के लिए आज के दिन अपने घर में चंदन की 5 धूपबत्ती ईशान कोण में जलाई और अपने इष्ट देवता के चरण में 11 गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। सारे कष्ट मिटेंगे और सारी परेशानियों का निवारण होगा। नमनारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, नक्षत्र गणनाएं आपके पक्ष में नहीं, समय अनुकूल और लाभदायक आज नहीं है। सरकारी अफसरों से नाराजगी हानि का कारण बनेगी। धन का अपव्यय और पारिवारिक तनाव से मन में थोड़ा सा दुख और पीड़ा रहेगी, मन में विक्षोभ रहेगा। कारोबारी यात्राएं नुकसान दे सकती भाई और स्वास्थ्य भी प्रतिकूलता बने रहेगी। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का है। आज किसी गरीब निधन स्वागन स्थिति को सफेद वस्त्रों का दान दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनाकर रखें। क्या ना करें, राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न करें, न मना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, समय शुभ है, अनुकूल है, सितारे संपूर्ण लाभ का संकेत दे रहे, सफलता का संकेत दे रहे। आज जिस तरह के घर योगा योग है, आपकी कार्यशैली की वजह से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा, मित्रों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। जिस तरह के घर योगा योग है, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, यात्रा बड़ी अनुकूल रहेगी और लाभप्रद साबित रहेगी। न मना रहे, क्या करें, थोड़ा सा कार्यों के प्रति जिम्मेदार बने। क्या न करें, धन आदि का व्यय न करें, न मना। और बात करते हैं धन राशि की। धन राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहा है कि स्वयं के परिश्रम और मित्रों के सहयोग से आर्थिक अवरोध को दूर करने में आज आप सफल रहेंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और दाम्पत्य जीवन की अनुकूलता की वजह से आज परेशानियों से मुक्ति मिलेगी क्योंकि जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थिति सामान्य रूप से चलती रहेगी। थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों को महत्व देना आवश्यक होगा। न मना रहे, क्या करें,
कानून के दायरे में रह के कार्य करें, क्या ना करें, अनावश्यक लोगों से संबंध ना बनाए, ना बना रहे। तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करें, उससे पहले आज का उपाय और अद्भुत देसी नुस्खे। आज का उपाय, यदि मेहनत और परिश्रम के उपरांत भी दुकान और व्यापारिक स्थल में बिक्री में बढ़ोतरी नहीं होती, एक नींबू ले लें। हनुमान जी का ध्यान करते नींबू के अंदर चार लौंग को गाड़ दीजिए। तत्काल नींबू को हाथ में लेकर ओम श्री हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र की तीन माला जाप करें। जाप के उपरांत ये नींबू हनुमान जी के सिर चरणों में भेंट करें। ऐसा नियमित 40 मंगलवार करने से धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमन। फिर बात करते हैं देसी नुस्खा मोतियाबिंद। देखो भाई, नैन है तो शैन है, आंखों के बिना कोई नहीं से, तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से बात करें। लेकिन इसके साथ ये उपाय बड़ा अच्छा रहेगा, 6 बादाम की गिरी और 6 दाने साबुत काली मिर्च मिश्री के साथ पीस कर सुबह सुबह पानी के साथ कुछ दिन लेके देखेगा, लाभ मिल जाएगा। नमन आ रहे हैं। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, साहसिक कार्य में सफलता हासिल करेंगे। गोचरी संकेत रहेगा, आज आपका प्रोफेशनल तरीका बहुत अच्छा है, जिससे कि आपको आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। गोचर अनुकूल है मकर राशि। कार्य में सफलता और मनोवांछित फल की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और गृहस्थ जीवन भी बड़ा सुखद रहेगा। पास पड़ोस के संबंध सुधरेंगे और दिन अनुकूलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, आज का दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। अपनों को साथ लेके चले, अपनों को थोड़ा सा सहयोग करें और किसी बात को 10 बार मत कहना, क्योंकि आज गोचर बहुत शुभ है। अनावश्यक तनाव मत लेना। नमन आ रहे, नमन आ रहे, क्या करें, क्योंकि गोचर बड़ा शुभ है और उचित समय का लाज आप आज आपको उठाना चाहिए। कोई काम करना हो, नया काम शुरू करना हो, या किसी से मिलना हो, वस्तु खरीदना, गोचर ठीक है, क्या ना करें, किसी का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास ना करें। नमन आ रहे। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, 12वें भाव में चंद्रमा और गोचर ये संकेत दे रहा है कि सितारों की चाल अनुकूल नहीं, सितारे प्रतिकूलता का पूर्ण संकेत दे रहे हैं। जिस तरह के घर योगायोग और आपकी जो कार्य शैली है, गृह योगायोग और कार्यशैली की वजह से व्यवसाय में रुकावट और धोखे की प्रबल संभावना है, खर्चा बढ़ेगा, परिवार में संतान संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा और आज पारिवारिक लोग आपके साथ खड़े नहीं रहे। जिस तरह के घर योगायोग कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा परिवार को संतुलित करना बड़ा आवश्यक है, वरना आज परेशानी है, थोड़ी सी यात्रा में हानि है। गोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। कुंभ राशि वालों, सावधानी अपेक्षित, छोटा सा उपाय, सरदानुसार सरसों का तेल गरीब निर्धन वयोवृद्ध 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। न मना रहे, क्या करें, मान सम्मान का ख्याल रखें, क्या ना करें, किसी के साथ दगा नहीं करें, किसी को कटु वचन ना बोले। न मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर उत्तम है, व्यावसायिक समझौते और वार्तालाप आपके हित में होंगे, परिश्रम के अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति, रिश्तों में अनुकूलता आएगी, पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जमीन जायदाद संबंधी लाभ होगा, भाई बंधुओं के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में आप सफल होंगे। गोचर आज का आपके पक्ष में है और आपको प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक अच्छे समय का लाभ उठा सके। न बना रहे, क्या करें, धन और समय का सदुपयोग करें, क्या ना करें, संतान की इच्छा का अनादर ना करें। था 12 के 12 राशियों का राशि पर जो नक्षों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद दुर्घटनाओं से कैसे पीछा छिड़े पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले लूंगा। इस समय छोटा सा ब्रेक। न मना रहे। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि हमेशा पूर्ण सावधानी के बावजूद भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, बार बार आपके कारोबारी स्थान में आग संबंधी दुर्घटनाएं हो, मशीनों में आग लग जाए, तो बिना कारण मशीनों का कोई पार्ट टूट जाता हो, संपूर्ण मैकेनिकल सावधानी बरते हुए भी कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती, तो ये उपाय आज शुरू करें और नियमित 40 मंगलवार करें।
आज के दिन प्रातःकाल नित्यक्रम में स्नान उपरांत गीले वस्त्र में हनुमत गायत्री का पाठ करते 108 गुलाब के पुष्प हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें, 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करें, सुदासन में बैठकर हनुमत गायत्री का 108 बार जाप करें। जाप के उपरांत निर्धन गरीब बेसहारा कन्याओं को भुने हुए चने और गुड़ का दान दीजिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। ना माना रहे और बात करते जीवन मंत्र। मधुर बोलना अच्छी बात है, मगर मधुरता के लिए झूठ बोलना कदापि अच्छा नहीं। दूसरों को खुश रखने के लिए बोला गया स्वास्थ्यवर्धक झूठ अपने और दूसरे दोनों के लिए कल्याण में अतिबाधक सिद्ध होता है। जो लोग मधुर सुनना पसंद करते हैं मगर सत्य सुनने का साहस नहीं जुटा पाते, वो लोग आत्म उन्नति से वंचित रह जाते हैं। मधुर प्रिय नहीं, सत्य प्रिय बनो, कल्याण होगा। नमन। अब समय है प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते दाती धाम। नमन। जय शनि देवा, हरि ओम तत् सत्, 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 जय शनि देवा। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल्पना गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय बुधवार का राशिफल, गणपति को कैसे मनाएं पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे के उपाय और वास्तु सलाह लेकर आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण।